नमस्कार दोस्तों, मैं श्रावण, फार्मेसी में आपका स्वागत है। मैं ये HECP का बुक ऑर्डर किया था, इसमें से हमारे पार्सल आ चुकी है। मैंने फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर किया था, ये मैं खोल रहा हूँ। इसमें आपको बताऊँगा कि से इसमें से मैं बुक दी गई है और कितने इसमें कंटेंट हैं, हमें क्या पढ़नी होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी में, आपको मैं एक एक करके कंटेंट्स बताता जाऊँगा और इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आप नए हो या कुछ भी, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और ये हमारे टेक्स्ट बुक है, मैंने खोला इसे, ये NGS की बुक है, अच्छी बुक होती है और टेक्स्ट बुक है ये, साथ ही पब्लिकेशन का है, फोर एडिशन आया है इसमें। और देखेंगे इसको करने में, जिसमें से 200 रुपये प्राइस दिए गए हैं और ये रीप्रिंट हुआ है 2018 में, ये रीप्रिंट की कॉपी है। इसमें हमको 11 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिसमें से पहला चैप्टर होता है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। हमें हेल्थ के बारे में जाननी होती है कि व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ क्या है हमारी, जिसमें से कभी पढ़ते हैं कि बहुत सारे हेल्थ के डेफिनेशन आए हैं, WHO के तरफ से आया है और बहुत सारे संस्थानों के द्वारा दी गई। और दूसरे चैप्टर की बात करें तो हमें इम्पोर्टेंट टर्म एंड डेफिनेशंस हैं। और कौन तीसरे चैप्टर की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ की कॉन्सेप्ट के बारे में दिया है। चौथे चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो ये न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है। और पांचवें चैप्टर में की बात करें तो डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग मेथड, जिसमें हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी वगैरह हम इसमें पढ़ते हैं। और सिक्स में जो चैप्टर होते हैं वो फर्स्ट एड कैसे करते हैं, अगर RTA हो या किसी तरह से केस होते हैं या किसी चोट हो, जख्म हो, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं वो इसमें देखेंगे, उसमें क्या हमारा प्रोटोकॉल्स दिया हुआ है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सातवें चैप्टर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सामाजिक में क्या है, हमारी जो हेल्थ की फैसिलिटी क्या होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी में से अध्ययन करते हैं, हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं जिसमें माइक्रोपैथोजेंस वगैरह रहते हैं, बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरिया वगैरह रहते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें एक बीमारी होती है किसी को और दूसरे लोगों को फैल जाती है और एक कम्युनिटी को स्प्रेड होती है। अभी जैसे आप कोरोना में देख सकते हैं, कोरोना में ये होता है कि एक इंसान को हुआ और धीरे धीरे दूसरे लोगों को प्रॉपर हुई हो जाता है। नाइन्थ चैप्टर में हम कम्युनिटी डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, एक अगर किसी भी एक पर्सन को बीमारी होती है वो दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है बाद, अगर किसी भी वेक्टर तरह से अगर हम उसके साथ में रह रहे हों या तो उससे संपर्क में आए या उससे हाथ मिलाए हों तो वो बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन होता है, उसके वजह से हमें ये दिखाई देती है डिजीज। और दसवीं होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें से होता है कि जो फैलते नहीं, ऐसे बीमारी के बारे में अध्ययन करते हैं जो बीमारियां फैलती नहीं हैं। जैसे आप जान सकते हैं कि अगर किसी को किडनी की डिजीज़ है तो वो फैलने की डिजीज़ नहीं होती है, लीवर की डिजीज़ है वो फैलने की डिजीज़ नहीं होती है, ऐसे भी बहुत सारे डिजीज़ हैं जो फैलते नहीं हैं। उसके बाद में हम आते हैं एपिडेमियोलॉजी में, इसका विस्तृत रूप में हम 11वां चैप्टर किए हैं, आगे हम देखेंगे। अभी मैं आपको इतना ही दिखा देता हूँ और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितने भी हैं जितना भी देख सकते हैं आप, ये सारे चैप्टर हैं, पॉलिनिक वगैरह सारे चीज़ दिए हुए हैं, बैंडेजिंग वगैरह अच्छे तरह से दिए हुए हैं। मैं इसका हर एक वीडियो को मैं अपलोड करूँगा और हर एक 11वें चैप्टर तक मैं इन्हें अच्छे से बताऊँगा। और हमारे इस वीडियो को देख करके लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। और एक ज़रूरी बात कि आप
हमारे जो बेल आइकन रहेंगे, घंटी का बटन है, उसको ज़रूर दबाएंगे ताकि ये आपको जल्दी से हमारी वीडियो आपके तक पहुंच जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।